किस तरीके से चेकिंग किया जा रहा है? ये हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी महोदय के आदेशानुसार हम लोग रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये चेकिंग 2-3 वजह से है। हमें यहाँ की जनता को जागरूक बनाना है, जो यातायात को फॉलो करें जिससे दुर्घटनाएं कम हो। चेकिंग करने का दूसरा उद्देश्य ये है कि हेलमेट लगाएं, 3 सवारियाँ न चलें, दुर्घटना भी हो और जो क्राइम हो रहे हैं बाइक से, जो क्राइम हो रहा है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो एक तरह के जागरूकता अभियान के साथ हम क्राइम को प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं। इसे चेकिंग कर रैंडम चेकिंग करेंगे तो जो आपके डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो बचेंगे उस पॉइंट पे जाने से, तो एक तरह का क्राइम भी प्रिवेंट होता है। प्लस उच्च अधिकारियों का आदेश पालन रूटीन चेकिंग कर रहे हैं, ये कहीं भी कर सकते हैं। इस क्राइम एरिया खुलते हैं साहब को, जहाँ पे भीड़ भाड़ का इलाका है, जहाँ पे लोग आने जाना ज़्यादा है वहाँ पर करते हैं। क्या सीट बेल्ट के लिए फोर व्हीलर को ऐसे कुछ प्रिवेंट किया जाए? कोई भी जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत है तो सबका हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। फिलहाल रोज एक आदेश आता है कि 3 सवारी का करना है, बिना नंबर प्लेट गाड़ी के करना है, हेलमेट करना है, लेकिन जब हम रोड पर चेक करें तो सारे चीज़ों को फॉलो करके चेक करें।